हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अविनाश एंड आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद अविनाश। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग पे। अगर आपने अभी तक हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट की है और उसे स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, बट आपके दिमाग में ये डाउट है कि मेरे पास तो कोई एक्टिविटी ट्रैकर या कोई इस टाइप का स्मार्ट वॉच नहीं है जिसमें हार्ट रेट सेंसर इनबिल्ट हो, तो आप एक इस टाइप के सेंसर को खरीद सकते हैं जो कि आपके स्मार्टफोन से भी पेयर हो जाएगा और आप इसके यूज से अपना हार्ट रेट ट्रेनिंग फॉर रनिंग और फॉर साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन से और एक इस टाइप के हार्ट रेट सेंसर की मदद से बिना किसी स्मार्ट वॉच या बिना किसी फिटनेस ट्रैकर के भी हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये हार्ट रेट सेंसर मैंने 1500 रुपये में आज से 3 साल पहले खरीदा था और मैंने सबसे पहली बार इसको अपने फ़ोन से ही कनेक्ट किया था। लगभग 6 से 7 महीने मैंने इसको अपने फ़ोन पे ही यूज़ किया एंड फ़ोन पे ही मैं इसके हेल्प से अपनी हार्ट रेट मॉनिटरिंग करता था। तो जितने भी रनर्स हैं, जितने भी साइक्लिस्ट हैं, ऑलमोस्ट सब लोग श्रावा यूज़ करते ही करते हैं। अगर श्रावा नहीं यूज़ करते तो कुछ लोग रन कीपर यूज़ करते हैं। ये हार्ट रेट सेंसर इन दोनों ऐप से और इस टाइप के और भी काफ़ी सारे ऐप से कंपैटिबल है और ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। तो अगर आप इस हार्ट रेट सेंसर में इन्वेस्ट करते हो तो नॉट ओनली अभी के लिए, बट आप अपने फ्यूचर में भी अगर आप कभी कोई साइकिल कंप्यूटर लेते हो या कोई हाई एंड स्पोर्ट्स वॉच लेते हो तो इस टाइप के हार्ट रेट सेंसर को आप उससे भी पेयर कर सकते हो। तो ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा और आपको बाद में कोई हार्ट रेट सेंसर के लिए अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपका अभी का बजट नहीं है कि आप एक साइकिलिंग कंप्यूटर या फिर एक ट्राइथलॉन वॉच या फिर एक रनिंग वॉच में इन्वेस्ट करें, तो आप सिंपली एक हार्ट रेट सेंसर ले सकते हैं और ये हार्ट रेट सेंसर आपके स्मार्टफोन से पेयर हो सकता है और आपको आपके हार्ट रेट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके एक्टिविटी रिकॉर्डिंग के टाइम पे दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से आप इस हार्ट रेट सेंसर को अपने स्मार्टफोन पे श्रावा या रन कीपर ऐप पे कनेक्ट कर सकते हैं। श्रावा में हार्ट रेट सेंसर पेयर करने से पहले सबसे पहले जो 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आप चेस्ट स्ट्रैप हार्ट रेट सेंसर को अपने चेस्ट पे पहन लें एंड इंश्योर करें कि आपके फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन है। ये 2 चीज़ें पहले आप ध्यान दे लें। फिर आप श्रावा ऐप ओपन करेंगे। श्रावा ऐप ओपन करने के बाद जब आप इसके बॉटम साइड में देखेंगे तो आपको एक रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप नॉर्मल अपना साइकिलिंग या रन को रिकॉर्ड करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको बॉटम में फिर से थर्ड एक ऑप्शन दिखेगा जो कि हार्ट सेप का रहेगा। ये हार्ट रेट सेंसर या कोई भी एक सेंसर, पहले तो और भी सेंसर्स पेयर होते थे बट अब सिर्फ हार्ट रेट सेंसर इसमें पेयर हो पाता है। तो ये ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने हार्ट रेट सेंसर को पेयर कर सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लूटूथ ऑन होने के कारण और आपने जब अपना चेस्ट स्ट्रैप सेंसर पहना हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली आपके चेस्ट स्ट्रैप सेंसर को फाइंड करेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं अवेलेबल सेंसर में MHR10 हार्ट रेट दिख रहा है जो कि हार्ट रेट सेंसर मैंने पहना हुआ है और वो पहनने के बाद ये यहाँ पे फाइंड हो चुका है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा इसका, जो अभी प्रोसेस हो रहा है, और ये कनेक्टेड हो जाएगा। एंड नाउ आप देख सकते हैं कि ये हार्ट रेट रीडिंग्स दे रहा है 69, 71, इस तरीके से 68 ये हार्ट रेट रीडिंग दे रहा है। जब हम बैक जाके अपना एक्टिविटी या रनिंग साइकिलिंग जो भी कुछ करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे तो ड्यूरिंग कंप्लीट एक्टिविटी ये हार्ट रेट सेंसर इस हार्ट रेट रीडिंग्स को श्रावा में सेंड करता रहेगा और जब आप उसके राइड को एंड करेंगे या रनिंग को एंड करेंगे तो कंप्लीट एक्टिविटी के दौरान जो आपके हार्ट रेट के वेरिएशन रहेगा वो इसमें रिकॉर्ड रहेगा। आपको मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम एवरेज, ये हार्ट रेट्स यहाँ पे दिखते रहेंगे। तो जब आप श्रावा में एक्टिविटी सेव कर लोगे, सेव करने के बाद जब आपको देखना है कि आपने ड्यूरिंग द एक्टिविटी आपका हार्ट रेट कैसे वेरी किया है, क्या मैक्सिमम था, तो आपको अपने सेव्ड एक्टिविटी में व्यू एनालिसिस में जाना है। व्यू एनालिसिस के जब आप नीचे इस ग्राफ के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको आपके हार्ट रेट का ग्राफ दिखेगा, मैक्सिमम हार्ट रेट दिखेगा और एवरेज हार्ट रेट दिखेगा। तो इस तरीके से आप चेस्ट स्ट्रैप हार्ट रेट को सेंसर को यूज़ करके श्रावा में अपने हार्ट कोई भी रनिंग या साइकिलिंग की एक्टिविटी के टाइम पे अपने हार्ट रेट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रन कीपर में भी चेस्ट स्ट्रैप हार्ट रेट सेंसर पेयर करना बहुत ही ईजी है। आपको सेम चीज़ें ब्लूटूथ ऑन रखनी है और हार्ट रेट सेंसर अपने चेस्ट पे पहन के रखना है और सिर्फ आपको अपना रन कीपर ऐप ओपन करना है। रन कीपर ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के आसपास में ब्लूटूथ हार्ट रेट जितने भी रहेंगे उसको ऑटोमेटिकली फाइंड करता है एंड आप जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एक मिडिल में एक हार्ट का सिंबल बनेगा।
ये सिंबल जब ग्रे रहेगा जब तक ये हार्ट रेट सेंसर फाइंड करता है, और जैसे ही ऑटोमेटिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है ये रेड हो जाता है। तो इसमें कोई एडिशनल सेटिंग नहीं है जहाँ पे जाके आपको फाइंड करना है, ये ऑटो मोड में रन कीपर फोन के आसपास में जो भी हार्ट रेट सेंसर रहेगा जो एक्टिवेटेड रहेगा उसके साथ वो ऑटो मोड में पे। तो जब आप इसमें स्टार्ट करेंगे आपकी एक्टिविटी तो स्टार्ट करने के टाइम पे आपका हार्ट रेट रीडिंग यहाँ पे दिखता रहेगा। ये एक्टिविटी सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आपके हार्ट रेट एवरेज हार्ट रेट दिखेगी। जब आप चार्ट्स में जाएंगे तो ग्राफ भी दिखेगा और मैक्सिमम एवरेज हार्ट रेट आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। इस टाइप के हार्ट रेट सेंसर की एक्यूरेसी कभी भी किसी भी वॉच या किसी भी फिटनेस ट्रैकर के हार्ट रेट से ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी, क्योंकि ये आपके हार्ट पे माउंट होता है एंड ये आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। सो होप इस वीडियो के हेल्प से आप अपना हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग स्टार्ट कर पाएंगे विदाउट स्पेंडिंग मच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें दिए गए इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।